इस वीडियो में आप देखेंगे एयर होस्टर्स ब्लाउज डिज़ाइन जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी नई नई वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्लाउज बनाने के लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है और देखिए ये इसका अस्तर लिया है। तो जो ड्राफ्ट करेंगे पहले अस्तर पर कर लेंगे। देखिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए ये वाला बंद हिस्सा है, इधर इस साइड में खुला हिस्सा है, और जैसे कपड़ा आगे पीछे है तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, धोने के बाद ये आगे पीछे हो जाता है। तो जब भी आप कटिंग करें पहले कपड़े को सीधा कर लें। देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लिया है। तो इसकी ओपनिंग जो है फ्रंट में रहेगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे। तो जो हमारे बैक पार्ट की लंबाई है ब्लाउज की, वो तैयार में 13.5 इंच है, और 1 इंच हम प्लस कर देंगे जो कि मार्जिन रहेगा, तो 14.5 इंच आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। और देखिए अभी हम इसका लेंगे शोल्डर। तो इसमें क्या है, पूरे शोल्डर लिए जाते हैं, जो भी आपका शोल्डर है। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे फोर्थ भाग ले लेती हूँ, 7 मुड्डे 7 इंच। और ये ब्लाउज जो है मैं 34 साइज का बना रही हूँ। तो देखिए फोर्थ भाग आएगा हमारा 8.5 इंच, और 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। कोई भी साइज़ का लेते हैं, 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दें। और देखिए नीचे हम इसमें से 0.5 इंच कम कर देंगे, 10.5 10 लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने 10.5 ले लिया। और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो 2 इंच का मार्जिन लिया है इसको भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ही हमारा ड्राफ्ट रहेगा। अभी यहाँ पर मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच, और यहाँ से हम इस तरीके से लेते हुए इसको मिला देंगे। देखिए अभी 0.5 इंच शोल्डर पर डाउन करना है, तो यहाँ पर 0.5 इंच डाउन कर देते हैं, और इस तरीके से डाउन करके शोल्डर पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए सेंटर से 3.5 इंच ले लेंगे, और 5 इंच लंबी प्लेट रहेगी। मेथड सेम है, आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये बैक प्लेट रहेगी। अभी देखिए नेक लेते हैं, तो नेक इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, जो डीप है ब्रॉड हम ले लेते हैं 3.5 इंच, और इसको हम सिर्फ 1.5 इंच ही नीचे उतार रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। तो जो इसका ड्राफ्ट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी सेम ड्राफ्ट पे हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसका जो ड्राफ्ट रहेगा कुछ इस तरीके से आएगा। अभी जो ये डॉट का है इसको यहाँ पर कट मार देते थे, दोनों साइड में डॉट डालने में आसानी रहेगी। ये पार्ट बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट कट करते हैं। और इसमें एक सिलाई मार्जिन हम ऐड कर लेंगे, तो 7.5 इंच शोल्डर ले लें, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर पट्टी काज पट्टी भी अटैच होंगी, उस मार्जिन जाएगा। इसके बाद हम पूरे ब्लाउज के अपने की लंबाई ले लेते हैं। तो जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, और 1 इंच प्लस कर देंगे तो 15 इंच ले लेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ से शोल्डर ले लिया, 7 इंच लिया है, और एक सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं, तो 14.5 इंच है फ्रंट में, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। पूरी लंबाई ले लें आप, जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है, सेम मुड्डे 7। अभी देखिए जो यहाँ पे हमारा कपड़ा आगे पीछे है इसको भी बराबर से कर लेते हैं, 8.5 इंच प्लस 2 इंच, और एक सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे 9.25 इंच ले लेंगे, क्योंकि जब हुक पट्टी काज पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें भी मार्जिन जाएगा, और 2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा रेगुलर जो रहता है ये इस तरीके से। अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पूरा नीचे तक सीधे, मुड्डे की गुलाई। देखिए बैक में हमने 1.5 इंच दी थी, यहाँ पे 1 इंच देते हैं, क्योंकि 0.5 इंच हमको एक्स्ट्रा कटिंग भी करनी है, तो साथ में हम 1 इंच में यहाँ पे मार्किंग लगा लेते हैं। मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ करिए अंदर की तरफ से ले लेंगे, तो 0.5 इंच हमारी इसमें सेप अभी साथ में ही आ जाएगी, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमने यहाँ पे ले लिया, नॉर्मल देखिए इस तरीके से आएगा ये, लेकिन 0.5 इंच हमने कम कर दिया, तो इस मार्किंग पे कटिंग होगी। अभी इसका नेक ले लेते हैं। तो देखिए नेक हम 3.5 इंच ले रहे हैं ब्रॉड में, और इसकी जो गहराई है वो आप अपना हिसाब से देख सकते हैं, जितना आप डीप रखते हो
मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, वी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें शेप दे सकते हैं। मैं इस तरीके से वी शेप ही दे दी। अब आधा इंच जैसे हमने बैक में डाउन किया है, सेम यहाँ पर भी डाउन करेंगे और इस लाइन को यहाँ नेक तक मिला देंगे। देखिए इस तरीके से आएगा। अभी ये जाने के बाद अभी हम ले लेते हैं अपना कप साइज। तो देखिए जो हमारा कप साइज है 12.5 इंच है, तो 12.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। जो भी आपका कप साइज हो उस हिसाब से आप मार्किंग कर लें। पहले हमने नॉर्मल ब्लाउज का ड्राफ्ट किया, उसके बाद हमने अभी कप साइज का ले लिया 12.5 इंच। अभी यहाँ पे हमारा ये 9.25 इंच लिया था हमने, क्योंकि एक सिलाई मार्जिन भी लिया था। 9.25 इंच के हम 3 हिस्से करेंगे, तो ये 3 इंच से थोड़ा कम आएंगे, तो यहाँ पे हम 3 इंच छोड़ देते हैं और 6.25 इंच के आसपास हमारा इस हिस्से में आएंगे। दूसरा हिस्सा, इसमें 2 हिस्से आ जाएंगे, तो इस हिस्से में हमारी कटोरी निकलेगी, इस हिस्से में साइड का पार्ट निकलेगा। अभी जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है, गुलाई जो दी है, यहाँ से पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हमको लेना है 2.5 इंच, जो ये लाइन है यहाँ से 2.5 इंच ले लें, ठीक है। और जो ये लाइन है इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप, इससे क्या है ना शेप देने में आसानी रहेगी। ये ऑप्शन है, आपको देना है तो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमने ये इसके जो पार्ट लिए हमने 3 भाग जो किए हैं, तो एक भाग की जो लाइन है हमने ऊपर तक ड्रॉ कर दी है। अभी जो ये नेक है यहाँ से हम लेते हैं, देखिए 1 इंच। अब यहाँ से इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे और इस शेप को हम इसी से मिला देंगे, जो ये वाला पार्ट है हमने जो मार्किंग किया है इस पार्ट से मिला देंगे। ये भी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। अभी इस पार्ट में हम गोलाई देना शुरू करेंगे साइड फिटिंग से। तो यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर रही हूँ और इस मार्किंग को हम यहाँ पे मिला देंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये मार्किंग को मिला देनी है। तो जो ये बेल्ट है, ये वाली बेल्ट यूज हो जाएगी, साइड का पार्ट भी यही यूज हो जाएगा, सिर्फ चेंज होगी तुम्हारी ये कटोरी। अभी जैसे नेक मैंने वी लिया है, आप कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। अभी सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर ले। अभी जो ये बेल्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, जो अलग से हमको पट्टी लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ये 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो अलग से आपको पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें पट्टी लगानी है तो इस मार्जिन को ना लें, मैंने इसी में ऐड कर लिया, पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पार्ट को भी कट कर लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट रहेगा साइड का, ये रही हमारी नीचे बेल्ट, और देखिए ये है कटोरी। अभी जो ये कटोरी है, ये कटोरी हमारी यूज नहीं हुई है, हम दूसरी कटोरी तैयार कर। तो देखिए ये बचा हुआ जो कपड़ा है ये मैंने ले लिया है, और जो ये कटोरी है इसको हम एक को निकाल देते हैं। इस कटोरी को हम इस तरीके से रख देंगे, यहाँ पे क्रॉस में रखना है, थोड़ा क्रॉस में रहने से बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो अभी देखिए जो इस साइड में हमको 1 इंच बढ़ाना है और इस साइड में 1 इंच बढ़ाना है, और जो इसकी लंबाई है इसमें भी हमको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग होगी उसके लिए। तो 1 इंच हमने यहाँ पे इसकी लंबाई में बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम यहीं से 1 1 इंच और बढ़ा देते हैं, जो हमको ये चौड़ाई चाहिए। अभी जो ये वाला मार्जिन है यहाँ पे सिर्फ हमको 1 इंच का जो एक मार्जिन रहेगा सिलाई का, उतना ही मार्जिन लेना है, और नीचे हमारा 1 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम फिनिशिंग देंगे उसके लिए। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये हमारा चला जाएगा प्लेट में। अब नेक को कुछ भी नहीं करना है, नेक सेम ही रहेगा, नेक में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी एक सिलाई मार्जिन ही ऐड करना है, जो हम साइड के पार्ट में स्टिच करेंगे उसके लिए। और नीचे तक हम यहाँ पे लेके जाएंगे इसको, जो हमने 1 इंच बढ़ाया है, और 1 इंच लंबाई में भी बढ़ाया और 1 इंच हमने चौड़ाई में बढ़ाया, यहाँ तक लेके जाएंगे इसको। अभी यहाँ से हम ये सेंटर देख लें इसका, देखिए 8.5 इंच आ रहा है, तो ये 4.25 इंच इसका यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ से हम लंबाई बढ़ा देते हैं इसकी 2 इंच। अब इस मार्किंग को हम यहाँ पे स्केल से ड्रॉ कर देंगे इसके साथ।
क्योंकि नॉर्मल हम 1.5 इंच बनाते, मैंने इसमें 2 इंच बढ़ाया क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ा दिया है इसके लिए। अभी जो इसका टक्स पॉइंट लेना है वो ले लेते हैं, तो इसको इसी तरीके से रहने दें। तो हमने ये 12.5 इंच इसकी लंबाई में लिया था, तो जो टक्स पॉइंट हमारा आएगा 9.5 और आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो 10 इंच, तो 2.5 इंच हम यहाँ पर ऊपर से एक मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब तक कटोरी को आपको जो हमने पहले ड्राफ्ट किया है उसको नहीं हटाना है, उसी के साथ हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है, ये सेंटर हमारा पॉइंट बन चुका है टक्स पॉइंट का, इसको हटा देते हैं। अभी इसका काम हो गया और इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, डार्क मिला देंगे इसके साथ में। अभी हमने इसमें 1 इंच लंबाई में दोनों साइडों में बढ़ाया, तो यहाँ पे आधा आधा इंच हम यहाँ पे कम करेंगे। 1 इंच ले लें पूरा, आधे सेंटर लाइन पर रख लें, तो आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा। सेम आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी करना, और जो इसकी प्लेट की लंबाई लेनी है वो हमको 4 इंच लेनी है। यहाँ से 4 इंच पर एक मार्किंग कर दिया और इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जो ये प्लेट रहेगी ये 3 इंच की रहेगी, तो 1.5 इंच हमारा इस साइड में जाएगा और 1.5 इंच इस साइड में। देखिए इस तरीके से इसका कुछ ड्राफ्ट रहेगा। अभी जो हमने ये आधा आधा इंच दोनों साइड से लिया है, इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको यहाँ पे और इसको इस लाइन को यहाँ पे। जो ये टक्स पॉइंट है, दोनों लाइनों को टक्स पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। इस साइड में देखिए, ये इस साइड में चला जाएगा और ये वाला इस पर साइड में चला जाएगा। देखिए दोनों तरफ से जो 1 इंच हमने नीचे बढ़ाया था वो 1 इंच हमारा यहाँ पे कम हो गया है सेंटर में। अब इसी ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। देखिए इसका जो पैटर्न है कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहे। ये जो डबल कटोरी का ड्राफ्ट है कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अभी जब आप इसको कपड़े कट करेंगे तब आपको यहाँ पे एक सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने जो 1 इंच लिया था वो 1 इंच हमारा कटिंग में चला गया। अभी जब हम इसको सिलेंगे यहाँ पे तो फिर ये छोटा हो जाएगा, तो सिर्फ आपको एक सिलाई पॉइंट इस साइड में एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड में, बाकी कहीं भी नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो हमारा सारा मार्जिन ऐड हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर ही आपको सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करना है, जितना भी आप सिलाई लेते हैं मार्जिन उतना। इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी कट कर लेती हूँ और जो हमारा कपड़ा है उसको कट कर लेते। तो देखिए मैंने अस्तर भी कट कर लिया है और देखिए कपड़ा भी कट हो चुका है। तो ये ब्लाउज हमारा आगे पीछे के पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम स्लीव कट करते। तो देखिए मैंने अस्तर जो बचा हुआ अस्तर है इसको मैंने फोल्ड कर लिया, 4 फोल्डिंग, और कितना इंच चौड़ाई में फोल्ड किया है बता देते हैं। देखिए हमको ये 8.5 इंच चाहिए। इसके लिए आपको जैसे हम पूरा इसको फोल्ड करेंगे तो 8.5 इंच नहीं आ रहा है, कम पड़ रहा है, तो मैंने 8.5 इंच के साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड कर लिया है। इससे क्या होगा, जो जॉइंट आएगा तो खाली सिर्फ 2 ही पार्ट में जॉइंट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेंटर से फोल्ड करती हूँ तो 4 पीसों में जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 8.5 इंच विड्थ जो है। अब जो इसकी लंबाई ले रहे हैं स्लीव के, देखिए 10 इंच हमको तैयार में चाहिए, 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो 11 इंच ले लेना। जो भी आपकी साइज़ है आप इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं। अभी इसकी हम शेप देते हैं। देखिए नॉर्मल हम 3.5 इंच से देते हैं, इसमें 4 इंच से देंगे क्योंकि ये एल्बो स्लीव है, तो यहाँ से हम इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। अभी अपनी मोहरी ले लेते हैं। मोहरी हमारी देखिए 11 इंच है, तो 5.5 इंच आएगा और इसमें 2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। जैसे हमने पूरा ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन लिया उसी तरीके से अब इस स्केल से हम लाइन को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं मार्जिन की। देखिए इस तरीके से आएगी और जो हमारा यहाँ पे मार्जिन जाएगा यहाँ पे चला जाएगा। इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरीके से रहेगा। सेम इसको भी कट कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ आपका ये 1 से 1.25 इंच का जॉइंट आएगा यहाँ पे, तो जो ये बचे हुए फिटिंग के जो साइड कटिंग है
उसमें से ये दो पीस हम निकाल लेंगे। पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप सिलाई के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।